वाली अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा मेवाड़ा एवं उपकरण अधिकारी श्री निधि बेटी तहसीलदार सर्वेक्षण निर्माण नेपाली मुख्यालय पर अधिकारी निवास सिविल लाइन कॉलोनी पर एक कार्यक्रम आयोजित कर मानसून के आगमन के साथ ही वाली सिविल लाइन कॉलोनी परिषद ने पौधारोपण कर आमजन से क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का संदेश दिया। इसी दौरान करीबन 15 पौधे लगाए गए। श्री वैष्णो देवी मादा मंडल मुंबई बाली व मारवाड़ एकता परिषद मुंबई के तत्वावधान में बाली के उपकरण अधिकारी श्री निधि बीटी को ज्ञापन देकर स्कूल के पाठ्यक्रमों में महापुरुषों के अपमान के संबंध में और बिजली के बिल के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दिया। स्कूल के पाठ्यक्रम में है महाराणा प्रताप के बारे में जो लिखा गया इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़खानी की गई है। वह कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी, उसके बाद भी बिजली के बिल बहुत बड़ा चढ़ाकर भेजे गए। इसके विरोध में उपकरण कार्यालय के सामने नारेबाजी करके मुख्य चौराहे पर विद्युत मंत्री का पुतला जलाया गया। साथ ही कुछ दिन पहले बाली के डॉक्टर के अभद्र व्यवहार के कारण उनको हटाने के लिए ज्ञापन भी दिया था, उससे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 36 फॉर्म के लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बाली फालना रोड पर सौंदर्यकरण हो रहा है। बाली से 8 किलोमीटर दूर फालना तक रोड लाइट लगाकर रोड का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है जिससे फालना और बाली की सौंदर्यता बढ़ जाएगी। देसोरी उपगण में बड़ोद गांव पंचायत क्षेत्र में सतुर गांव में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे देसोरी उपगण का कुल मरीजों का आंकड़ा 95 पहुंच गया। 5 मरीज एक ही परिवार के सदस्य हैं। से 12 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन को छोड़कर सभी ट्रेनें रहेंगी बंद। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब 12 अगस्त तक कोई भी रेगुलर ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। 12 अगस्त तक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। जिन लोगों के टिकट 12 अगस्त तक बुक है उन्हें पूरा किराया रेलवे वापस करेगी। बोर्ड के फैसले के मुताबिक इस दौरान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अफवाहों से बचे। अगले बुलेटिन में बात करेंगे बाली की एक नई जनहित खबर की, और तब तक देखते रहिए बाली न्यूज।